नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम दरअसल एक बड़े खास विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं और आज का जो विषय है वो उस पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना असेसमेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण कर रहे हैं और इतिहास में इसका बहुत ही अलग तरीके से अन्वेषण भी होगा। हम दरअसल बातचीत करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को लेकर, और इस विषय पर जाहिर सी बात है पिछले हफ्ते काफी कुछ हुआ है, काफी कुछ इसका असेसमेंट किया जा चुका है। हमने सोचा कि थोड़ा ठहर कर इस पूरे मसले पर बातचीत करनी चाहिए, लिहाजा तकरीबन एक हफ्ते के बाद हम इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए नीलांजन मुखोपाध्याय हैं, जो जाने माने पत्रकार हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी, लेकिन उनका जो सबसे बेहतरीन परिचय आज के संदर्भ में है कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है, नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मकथा नहीं, जीवनी लिखने का काम किया है। ये किताब है नरेंद्र मोदी द मैन एंड द टाइम्स। इस किताब, वैसे तो किताब तब लिखी गई थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता था और सबकी निगाह इस तरफ लगी हुई थी कि नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर देश को स्वीकार होंगे या स्वीकार नहीं होंगे। कम से कम पिछले 9 सालों ने इस भ्रांति को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बेहद कमी आएगी, गुजरात की जमीन अलग तरीके की है, देश की जमीन अलग तरीके की है, दोनों के बीच में किसी तरीके का साम्य नहीं हो सकता, ऐसी बात कहने वाले बहुत सारे लोगों को अब अपने शब्द वापस देने पड़ रहे हैं। ये किताब बहुत पहले आई थी, तकरीबन 9 साल से ज्यादा हो चुका है। अब इस किताब के बारे में हम चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि ये किताब नए एडिशन के साथ आई है और इसमें 9 साल के बाद नया इंट्रोडक्शन यानी नई प्रस्तावना लिखी है नीलांजन मुखोपाध्याय जी ने। तो जाहिर सी बात है उन्होंने पिछले 9 साल का एक तबसरा भी किया है, उसका असेसमेंट भी किया है और उनकी जो अपनी तमाम प्रस्तावनाएं थी, अवधारणाएं थी नरेंद्र मोदी को लेकर, उसको रिविजिट करने का मौका भी उनको मिला है। ये किताब, इसका दाम 699 रुपये है और वेस्टलैंड ने इसको छापा है। इस किताब के बारे में कहते हैं ये कि ये किताब, जैसा अमूमन जीवनी लेखकों के बारे में कहा जाता है, किताब दरअसल एक आत्म प्रशंसा का एक खजाना बन के रह जाता है। और नरेंद्र मोदी की किताबों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो ज़्यादातर भक्त लोगों ने किताबें लिखी हैं, उनकी वाहवाही बढ़ा चढ़ा के की है। नीलांजन मुखोपाध्याय जी के बारे में कहा जाता है कि ये किताब अपने आप में ऑब्जेक्टिव है और उन्होंने कभी इस बात को नहीं छुपाया कि वो नरेंद्र मोदी के आलोचक रहे हैं, लेकिन इस किताब को लिखते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी तरीके की बायस इस पुस्तक को लिखने में ना आए। नीलांजन मुखोपाध्याय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। नीलांजन दा, ये 9 साल तो बहुत अरसा होता है किसी भी राजनीति के लिए। इन 9 सालों में क्या आपका नरेंद्र मोदी को लेकर जो असेसमेंट था, जो किताब लिखते के समय था, क्या उसमें कुछ बदलाव आपने देखा है या आपको लगा कि जो मैंने उस वक्त सोचा था लगभग वही बात आज देखने में आ रही है? कैसे असेसमेंट करेंगे 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? आशुतोष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इस मुद्दे पे और इस टॉपिक के बारे में बुलाने के लिए अपने मंच पे आमंत्रित किया। हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल एज प्रधानमंत्री। जिस किताब के बारे में आपने इतने पॉजिटिवली आपने इंट्रोड्यूस किया हमारे व्यूअर्स को, दरअसल ये किताब 10 साल पूरी हो गई है। मार्च 2013 में ये किताब आई थी और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में रिलीज होके 1 मई को इसका भव्य एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन या लॉन्च हुआ था। तो एक तरह से ये किताब जो है इसके एक दशक इन एग्जिस्टेंस पूरा हो गया है। पिछले साल ये किताब आउट ऑफ प्रिंट चली गई थी क्योंकि उस समय के जो प्रकाशक थे वो उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया था और ये संयोग की बात है कि ये किताब अभी दोबारा से लॉन्च होके आई है कुछ ही समय पहले, ठीक लगभग एक दशक बाद।
और द फैक्ट दैट ये एक दशक बाद भी ये किताब प्रकाशकों को रिलेवेंट लगती है, और मात्र एक किताब के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन, मुश्किल से करीब 3,000-3,500 वर्ड का एक इंट्रोडक्शन, लेकिन वो इंट्रोडक्शन एक तरह से एक नई किताब की बुनियाद है, मैं ये मानता हूँ। आपका जो सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी बदल गए हैं, या जो मेरा अंदेशा था उस समय कि वो किस दिशा में आगे प्रोग्रेस करेंगे, क्या वही हुआ? सबसे पहले तो मेरे को उस समय 2013 में जब किताब आई थी तो ये पूछा गया था कि आपने ऑफ ऑल पीपल अचानक से मोदी, नरेंद्र मोदी की जीवनी लिखने के बारे में आपने क्यों सोचा, क्योंकि आप तो उनके समर्थक कभी रहे नहीं, और बल्कि मतलब जो सबसे पहली मेरी किताब थी जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश होने के बाद, तो उसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म पोजीशन बहुत ही क्लियरली डिफाइंड थी। एज अ पत्रकार 2011-12 में अंदेशा होने लगा था काफी लोगों को, उनमें से मैं भी था, कि प्रधानमंत्री शायद नरेंद्र मोदी बन सकते हैं 2014 के चुनाव। तो सबसे बड़ा जो सवाल, जो जब मेरी 2013 में किताब आई थी और जब तक चुनाव नहीं हुए थे 2014 में, तो मेरे को अक्सर यही पूछा जाता था, और बल्कि टेलीविजन डिस्कशंस में आपके साथ भी, उस समय आप जहां एंकर, आप टीवी 18 में काम करते थे उस समय, सीएनबीसी 18 में, तो सवाल ये होता था कि नरेंद्र मोदी भारत को बदलेंगे या भारत नरेंद्र मोदी को बदलेगा। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अनुमान था कि नरेंद्र मोदी नहीं बदलेंगे लेकिन वो भारत को काफी बदल देंगे, मेरे ख्याल से ये एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप पूछे मेरे को कि भारत में सबसे बड़ा बदलाव क्या नजर आता है, तो सबसे बड़ा जो नजर डिफरेंस जो नजर आता है कि एक तरह से जो हिंदुस्तान की जो रिपब्लिकन कैरेक्टर है वो बदल गया है। मुझे आज के तारीख में हिंदुस्तान जो है एक तरह से पार्टिसिपेटिव ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कि पार्टिसिपेशन है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को सुनाई देता है कि जी फ्रिंज फोर्सेस है, उन्होंने विजिलांतिज्म के नाम पे उन्होंने ये कर दिया जो पार्टी लाइन के बाहर है। तो एक तरह से तो पार्टी के बाहर रहने के बावजूद भी पार्टी और जो सत्ता की जो पॉलिटिक्स है उसमें तो शामिल हैं, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पार्टिसिपेटिव उस तरह से हो गया, और ऑटोक्रेसी तो इस देश के जो 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 गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है तो वो एक तरह से हो गया, जो पिछले एक महीने में काफी कुछ हमको देखने को मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 28 मई को जब नए पार्लियामेंट संसद के का जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन हुआ, और जिस तरह से राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के पोजीशन को पूरी तरह से संसद के इंस्टीट्यूशन से साइडलाइन करके रख दिया और प्रधानमंत्री के ऑफिस को प्रमोट किया गया, प्रधानमंत्री के पर्सनालिटी को प्रमोट किया गया, मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से जो एक नई कल्ट ऑफ मोदी आई है उसको ही अंडरलाइन करता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।